नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर स्थित मुरार थाना क्षेत्र के अंतर्गत बड़ा गांव पर एक युवक को शक था कि उसका दोस्त उसकी पत्नी से बात करता है। इसी शक के चलते उसने दोस्त की हत्या की साजिश रच ली। उसे शराब पार्टी करने के लिए बुलाया, पहले जमकर शराब पिलाई, फिर गद्दार कहते हुए सीने में चाकू घोंप दिया। घायल को खून से सना देख लोगों ने पुलिस को सूचना दी। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए भर्ती कराया। आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आरोपी हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी डबरा थाने से जिला बदर भी है। बदमाश ने चाकू मारे हैं जिला बदर का आरोपी तक, क्या घटनाक्रम? ये मुरार थाना क्षेत्र में रात के 8 तारीख को रात के लगभग 12:30 बजे की घटना थी। उस हमें एक सूचना मिली थी कि एक अज्ञात आदमी को चाकू छाती में 2-4 स्टैब किए हैं, चाकू मारा गया और उसमें इस तरीके से घायल अवस्था में हमने उसमें तुरंत ही त्वरित कार्रवाई करके मुरार पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करके उससे जब पूछताछ की तो उससे उसका रिकॉर्ड हमने निकलवाया तो उसमें ये चीज़ मालूम किया कि जो आरोपी है वो डबरा से जिला बदर है, जिला बदर था और वो अपना स्थान बदल के पता बदल के यहाँ ग्वालियर में रह रहा था। और जो इसमें फरियादी बना जिसको चाकू लगे वो भी हिस्ट्री सीटर है ग्वालियर, यहाँ से अपने ग्वालियर सिटी से ही। तो इसमें बाकी अभी जो फरियादी है वो आउट ऑफ डेंजर है, 337 में धारा कायम करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिए। और जो जिला बदर था आरोपी उसके खिलाफ हमने मध्य प्रदेश राष्ट्र सुरक्षा कानून अधिनियम सेक्शन 14 के अंतर्गत एक अपराध पंजीबद्ध कर उसको भी हमने आगे उसमें आगे की कार्रवाई के लिए उसको भेज दिया। इसका क्या रंजिश थी इससे, क्या पत्नी से कोई शक वक्त मसला है कोई? फरियादी से पूछताछ में प्रथम दृष्टया यही हमें लगा, जो बताया उसने उसे ये लगा कि उनके कुछ आपसी विवाद थे जिसमें कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कुछ इस तरीके की बातें सामने आई थी। बाकी उसे और बाकी जो कथन विस्तृत कथन लेंगे तो उसमें और ज़्यादा खुलासा होगा। ठीक।